हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल्सियस से फारेनहाइट में बदलना। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए एक बड़ा ही मज़ेदार फार्मूला यूज़ होता है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है? सी अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू एफ माइनस 32 बटा में 9। अब देखिए, इस फार्मूले को मॉडिफाई करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि एकदम सिंपल फार्मूला लग रहा है। क्या है फार्मूला? सी गुणा में 9 बटा 5 प्लस 32 इज इक्वल्स टू एफ। अब यहाँ पर सी क्या है दोस्तों? तो सेल्सियस हैं जी। यहाँ पर एफ क्या है दोस्तों? तो फारेनहाइट हैं जी। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों फार्मूले में से आप लोग किसी भी फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही फार्मूले एक ही हैं, बस इस फार्मूले को मैंने मॉडिफाई करके यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन है 35 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए आप लोगों से कोई पूछता है कि 35 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट में कितना होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? सिंपल सा ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस 35 डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे? तो इसे सी के स्थान पर रखेंगे, मतलब कि सेल्सियस के स्थान पर रखेंगे। या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। फॉर्मूला क्या है? तो सी गुणा में 9 बटे 5 और प्लस में 32 इज इक्वल्स टू एफ। एफ क्या है दोस्तों? फारेनहाइट। अब देखिए दोस्तों, हम लोग सिंपल सा इस सी के स्थान पर 35 लिखने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? 35 गुणा 9 बटा 5 और प्लस का 32 इज इक्वल्स टू एफ। अब यहाँ से हम लोग सिंपल सा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 5 एकम है 5, 5 सत्य 35। अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 7 गुणा 9 कितना हो गया? 63 और प्लस का 32 इज इक्वल्स टू एफ। अब सिंपल सा इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3 दो 5 और 6 और 3 9, 95 डिग्री फारेनहाइट। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। तो आप लोग क्या कहेंगे कि 35 डिग्री सेल्सियस में कितने फारेनहाइट होते हैं? 95 डिग्री फारेनहाइट। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इससे पहले आप लोग बताइए कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, वो भी सेल्सियस में। आप लोग कमेंट करिए, तब तक मैं इस सवाल को यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा वहीं फार्मूले में सी के स्थान पर 40 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 40 गुणा में 9 बटा 5 और प्लस का 32 इज इक्वल्स टू एफ। यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 अटे 40। यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 72 प्लस का 32 इज इक्वल्स टू एफ। यहाँ से दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 2 प्लस 2 कितना हो गया जी? 4। 7 और 3 कितने हो गए? 10। 104 डिग्री फारेनहाइट। ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर। 40 डिग्री सेल्सियस में कितने फारेनहाइट होते हैं? 104 डिग्री फारेनहाइट। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप लोग सेल्सियस से फारेनहाइट में बदल सकते हैं। बस आप लोग को ये वाला फार्मूला याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।